चुनाव लाइव हर जुर्म का पर्दा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी अपना दल सोनेलाल निषाद पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुनील कुमार पटेल के केंद्रीय कार्यालय का फीता काटकर भव्य शुभारंभ संगठन सह प्रभारी सुनील ओझा ने रविवार को किया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के तौर पर सुनील ओझा ने सपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए बताया कि सपा सरकार में हत्या लूट रंगदारी का कार्य होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र व प्रदेश में बनी है तब से अपराध पर लगाम लगा हुआ है। जी, क्या एजेंडा रहेगा जनता को जानने का, क्या मुद्दा रहेगा आपका? सबका साथ सबका विकास रहेगा, इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। जगतपुर में आज राम उत्सव वाटिका में जी यहाँ के प्रत्याशी बीजेपी अपना दल संयुक्त प्रत्याशी माननीय सुनील पटेल उनके कार्यालय का उद्घाटन और कार्यकर्ता सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने और अपना दल ने मिल के जी केंद्र में और राज्य में जो शासन दिया है जिनकी जनता प्रशंसा कर रही है और वही शासन इसके बाकी के शासन की उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है और ये शासन सर्वश्रेष्ठ रहा। फिर से जनता के पास मैंडेट मांगने जा रहे हैं तो उसकी कोशिश उसके परिश्रम और हमारी साधना की बात करने के लिए हम जा रहे हैं उसका कारण लगा दिया है। क्या एजेंडा रहेगी आपको जनता के बीच में जाने का, क्या एजेंडा लेकर आप जाएंगे जनता के बीच में जाने का? बहुत बड़ा एजेंडा तो आप सबको पता है जी। उत्तर प्रदेश जो देश के इंडस्ट्री और विकास के लक्ष्य में कहीं नहीं था आज दूसरे नंबर पर आ गया है। उत्तर प्रदेश अपराध में पहले नंबर पे था आज बहुत नीचे आ गया है। अपराध और गुनाहों की दुनिया भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार मिली है उत्तर प्रदेश के लोगों को 5 साल के लिए, फिर से 5 साल के लिए मैंडेट। जैसा कि आपने कहा कि इंडस्ट्री के मामले में भारत दूसरे नंबर पे आ गया है, लेकिन वहीं यूपी में वहीं दूसरे नंबर पे युवाओं का कहना ये है कि बेरोजगारी यहाँ बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस पर आपका क्या कहना है? बेरोजगारी की संख्या के जवाबदार लोगों को यहाँ के लोगों ने 2017 में निकाला है और इसी वजह से इंडस्ट्री रोजगारी का सृजन करती है, बाकी होगा उसको भी। इसी साल प्रत्येक घर को प्रत्येक परिवार को भोजन मिला है, अनाज मिला है। कोरोना के समय में देश की सरकार और राज्य की सरकार ने अपने परिवार के सदस्य का ध्यान रखे, ऐसे प्रत्येक युवा का, प्रत्येक महिला का, प्रत्येक परिवार का ध्यान रखा है और ऐसे ही आगे चल के यहाँ से बेरोजगारी खत्म हो, रोग 15 साल का है वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में आप द्वारा बताया गया कि जो है अपराध कम हुआ है।